हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, आपको मैंने जो पहले असाइनमेंट दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फर्स्ट पार्ट था इसका 0.7 बार। लेट एक्स इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब देखिए, 0.7 बार को हम इस टाइप से ले सकते हैं 0.777। अब 7 इसमें रिपीटिंग है, 7 को रोकने के लिए हमने 7 पर बार लगा दिया। अब बार एक डिजिट पर है, इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करी 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 10x इज इक्वल टू 0.7 बार इंटू 10x। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई को हम इस तरह से समझ सकते हैं, 0.77 बार इंटू 10। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.777, 7 रिपीटेड, 7 को रोकने के लिए हमने 7 पर बार लगा दिया, तो 0.7 बार को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 7.7 बार। तो सेकेंड इक्वेशन वी गेट 10x इज इक्वल टू 7.7 बार। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 10x माइनस एक्स, 7.7 बार माइनस 7 बार, 10x से एक्स माइनस कर दिया 9x, 7.7 बार से माइनस करा 0.7 बार 7, एक्स इजिकल टू आ गया 7/9। इस तरह से 0.7 बार को हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका फोर्थ पार्ट था 0.235 बार। अब देखिए, क्योंकि इस पर 3 डिजिट पर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 2 डिजिट पर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1000x इज इक्वल टू 235.235 बार। इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, 1000x माइनस एक्स, 235.235 बार माइनस 0.235 बार। ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 235, इसे सब्ट्रैक्ट करना 999x, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 235/999, अर्थात x इज इक्वल टू 235/999। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी कुछ प्रॉब्लम थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उन्हें आप इसी ढंग से सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1/x इज इक्वल टू 1/ एक्स की वैल्यू दी है तो पहले हम 1/x निकालेंगे, तो 1/x आ जाएगा 1/3 प्लस 2 √2। अब देखिए, पहले भी मैं आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के बारे में आपको समझा चुका हूँ। अब इसका हम जो डिनोमिनेटर है इसका पहले रैशनलाइज करेंगे। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में आप यदि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसका हम रेशनलाइज करेंगे। तो 1/x 3 माइनस, अब इसके रेशनलाइज करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि जो उसका रेशनलाइज फैक्टर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हमने इसमें मल्टीप्लाई करा, इसका रेशनलाइज फैक्टर आया 2 − √2, तो 2 − √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो 1/x इज इक्वल टू 3 − √2/ अब देखिए, 3 + √2, 3 − √2, इट इज़ फॉर्म ऑफ a² − b², तो इन दोनों ब्रैकेट को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। a² a के प्लेस पे आ गया 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया 9 − 8 इज इक्वल टू 1। तो √3² − √2² आ गया हमारा 1।
वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3 - √2। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू, इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमें फाइंड करना है x - 1/x, तो x की वैल्यू हम ये रख लेंगे 3 + √2 माइनस 1/x की वैल्यू 3 - √2। अब इस ब्रैकेट में पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 + √2, -3 से प्लस का 3 कट गया, 2 √2 हो गए हमारे 4 √2। इस तरह से इसका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फाइंड x + 1/x, x की वैल्यू 3 + √2 प्लस 3 - √2, 2 √2 से माइनस का 2 √2 कट गया, 3 3 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका x + 1/x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे हम a + b के होल स्क्वायर के अनुसार, a² + b² + 2ab, x² + 1/x² 2 × x × 1/x, एक्स से एक्स कट गया। अब देखिए x + 1/x की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 6 है। अब 6² = x² + 1/x² + 2, 6² = 36, 2 इधर प्लस में इधर माइनस में ले आएंगे, x² + 1/x² 36 - 2 = 34, x² + 1/x² नेक्स्ट